बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज एक्सरसाइज 1.3 हम करने जा रहे हैं और आज डेट है 4 जनवरी 2021। तो बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने वेन डायग्राम से मुतलिक सीखना है। जैसा कि आप सेवन क्लास में भी सीख चुके हैं, वेन डायग्राम यूनियन और इंटरसेक्शन का जो रिलेशन है या डिफरेंस है, तो उसको पिक्टोरियल वे की रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। वेन डायग्राम में जो सेट का रिलेशन है, चाहे वो यूनियन है या वो इंटरसेक्शन है या वो डिफरेंस है, तो उसको डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंटेशन उसमें हम करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है और ई का जो एक जो वैल्यूज है वो है 3, 5, 7, 9, 11, 13, और जो सेट डी है उसकी वैल्यू है बेटा 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। बेटा, जब कभी भी हम वेन डायग्राम के जरिए सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि ये जो दो सेट गिवन है कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग मीन दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो, एक एलिमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उन दोनों सेट में कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें हमसे एक सवाल क्या पूछा गया है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो बेटे, ये आपके सामने लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन का। और इसी तरह अगर यहाँ यूनियन की जगह हम इंटरसेक्शन लिख देते हैं तो ये बन जाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट के दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, ए हमें लिखना है पहले, यहाँ तक मैंने ए सेट लिखा है, फिर आप देख सकते हैं यू, उसके बाद सेट बी, इसके तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं हमने। यूनियन के अंदर जैसा कि आपको पहले एक्सरसाइज में भी बताया गया है और सेवन्थ क्लास में भी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि यूनियन में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो इसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको आपने एक दफ़ा लिखना है, क्योंकि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट उसको दो दफ़ा हम नहीं लिख सकते। उसके बाद देखिए बेटा, आपने अब इस सेट का जो आपका आंसर आया है इसको वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल शेप फिगर बनाते हैं, यहाँ आप लिखते हैं यू, यानी यूनिवर्सल सेट है ये। उसके बाद एक आप सर्कल बनाते हैं, ये ए को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा सर्कल बना रहे हैं वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ए और बी ओवरलैपिंग हैं, यानी इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, तो इनको आप आपस में ज्वाइंट करेंगे, जैसे मैंने ज्वाइंट किया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो दरमियान का एरिया है ये कॉमन एरिया कहलाएगा, इसके अंदर आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं। सपोज यहाँ 5, 9 और 13 मैंने ये दरमियान भी लिखा। अब आप देखें कि अगर ए सेट में से मैं 5, 9 और 13 को निकाल देता हूँ, 5, 9 और 13 को निकाल देता हूँ, तो जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे बेटा वही होंगे 3, 7 एंड 11। सिमिलरली आपने बी सेट में देखना है कि जो अगर आप 5, 9 और 13 निकाल दें, ये 5, 9 और 13 अगर निकाल दें, तो बाकी के एलिमेंट्स हैं बेटा 17, 21, 25, वो यहाँ आते हैं। और आपने यहाँ लिखना है कि ए यूनियन बी। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, जब आप यूनियन के सवाल सॉल्व करते हैं तो आपने दोनों जो सर्कल हैं इनमें, इन दोनों के अंदर की लाइन लगानी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों सेट्स के अंदर, दोनों सर्कल में होल पर लाइन लगाएंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये यूनियन है। इसी तरीके से बेटा जो इसका राइट हैंड साइड है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ सेट बी आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा, इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी और बाकी काम वही है जैसे यहाँ हमने किया है। अब हम चलते हैं सवाल के दूसरे पार्ट की जाने, उसके अंदर बेटा क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए और बी का अगर इंटरसेक्शन लें तो कॉमन एलिमेंट आता है बेटा 5, 9, 13, बी इंटरसेक्शन लें तब भी 5, 9, 13 आते हैं। अब आपने इस इंटरसेक्शन के रिलेशन को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है, तो अगेन हमने वही काम करना है, रेक्टेंगल शेप फिगर बनाएंगे आप,
उसके बाद आपने सर्कल ए बनाना है, एक सर्कल बी बनाना है, उसमें भी एलिमेंट्स उसी अरेंजमेंट से लिखेंगे जैसे हमने यूनियन में लिखे हैं, और बी में भी और कॉमन भी दरमियान में होंगे। फर्क बेटा सिर्फ और सिर्फ ये है जो दरमियान का एरिया है, कॉमन एरिया जिसको हम कहते हैं, अब हम जो लाइंस लगाएंगे तो वो आप इस दरमियान का जो पोर्शन है इसमें लगाएंगे, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को, यानी कॉमन चीज कॉमन एलिमेंट्स। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी के बाद हम बी इंटरसेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए में बेटा क्या होगा कि बी पहले आ जाएगा, यानी ये 17, 21, 25 शुरू में आ गया, 3, 7, 11 ये बाद में आ गया, दरमियान में वही एरिया जिस तरीके से ऊपर हमने शेड किया था 5, 9, 13 वो लिखेंगे, और इस तरीके से हमारा बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब हम बेटा इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एंड एट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 18। बेटे सवाल को जो लिखने का अंदाज है आपको पता है कि सेट को डिस्क्राइब करने के तीन तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेवन्थ में भी आपने पढ़ा था, तो हमने इसी तरीके से डी देखना है y such that y belongs to n natural number and 9 is less than or equal to y, y is less than or equal to 19। इसका मतलब ये है कि x जो है वो बेटा 8 से बड़ा है और इसमें x भी इंक्लूड होगा, जब इक्वल का साइन साथ आ जाए लेस देन के ग्रेटर देन में तो ये जो नंबर होगा ये भी इंक्लूड होगा। इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा, 18 तक, यानी 8 से लेकर 18 तक नेचुरल नंबर, वो मैंने नीचे यहाँ देखा आपको नजर आ रहा है आपको C इज इक्वल टू 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 18। सिमिलरली ऊपर अगर हम D सेट देखते हैं तो यहाँ 9 से लेकर 19 तक जो है वो कंजक्टिव नंबर आए हुए हैं, 9, 10, 11 अप टू 19। अब हमने इस सेट के ऊपर भी बेटा कम्यूटेटिव लाई करना है, यानी C यूनियन D करना है, D यूनियन C करना है, उन दोनों का आंसर सेम आएगा 8, 9, 10, 19 तक, दोनों को अगर सेट को हम कंबाइन कर लें 8 से लेकर 19 तक, और अगर डी यूनियन सी करते हैं तो वो भी 8, 9, 10 अप टू 19 तक आ जाता है। इस रिलेशन को यूनियन का जो है हमने इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के जरिए, तो यहाँ आपके पास वेन डायग्राम मौजूद है, इसमें बेटा ये हमारे पास सी यूनियन डी है, इसी तरह ये भी C यूनियन D है। अच्छा अब आपने क्या करना है कि C के C और D में देखना है बेटा कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, वो है 9, 10, 18 तक दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं 9, 10 अप टू 18 तक। इसी तरीके से अगर आप सेट C के अंदर देखें 9 से 18 तक जो नंबर है वो आ चुके हैं तो बाकी जो बचता है वो 8 है। इसी तरह D के अंदर अगर 8 से 18 तक हम निकाल दें तो बाकी बचता है 9 एंड 19। ये आपके पास था बेटा C यूनियन D। इसी तरह D यूनियन C अगर हम देखेंगे तो उसमें D जो होगा वो शुरू में आ जाएगा जबकि C जो होगा वो बाद में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं इंटरसेक्शन की जानिब। इंटरसेक्शन में भी क्या होगा कि उसी तरीके से हमें लिखना है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है सी डी, उसमें बस फर्क जो होगा बेटा वो क्या होगा कि इंटरसेक्शन जो होगा दरमियान पे एक है, हमें सिर्फ उसको शेड करना है। यहाँ देख रहे होंगे मैंने शेड किया हुआ है, बाकी एलिमेंट्स की जो तरतीब होगी वो उसी तरीके से होगी। उम्मीद है बेटे ये आपको बात समझ आ गई होगी, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो कोई बात पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।